उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार बनाने का इंतजार समाप्त हो गया है। प्रदेश में चार चरणों में 15 अप्रैल से मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मतदान की तारीख का ऐलान कर दिया है। पंचायतों के आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई से पहले ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में चार चरण में 15, 19, 26 तथा 29 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद 2 मई को होगी मतों की गणना। 2 मई के बाद से गांव की सरकार का काम शुरू होगा, जो कि 25 दिसंबर से बंद है। सभी 18 मंडल के एक एक जिले में पहले चरण का चुनाव होगा। 2 मई को मतगणना होगी चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ। यूपी में आचार संहिता लग गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज आरक्षण मामले की सुनवाई होगी। प्रदेश में कल यानी शनिवार से नामांकन पत्रों का विक्रय होगा। पहले चरण के मतदान वाले जिलों में नामांकन 3 और 4 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के मतदान वाले जिलों में नामांकन 7 और 8 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण में मतदान वाले जिलों में नामांकन 13 और 15 अप्रैल को होगा। चौथे चरण के मतदान वाले जिलों में नामांकन 17 और 18 अप्रैल को होगा। पंचायत चुनाव के लिए 3 अप्रैल से पहले चरण का नामांकन शुरू हो जाएगा। प्रत्येक चरण में प्रत्याशियों को प्रचार के लिए करीब सप्ताह भर का समय मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण फिजिकल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया है। इसी कारण मतदान स्थलों में इजाफा भी होगा। इससे पहले चुनाव में 1,79,413 मतदान स्थल थे। 2021 में मतदान स्थलों की संख्या 2,30,050 हो गई है। 2015 में 11.54 करोड़ मतदान थे, जबकि 2021 में मतदानों की संख्या 12.39 करोड़ हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 80,762 मतदान केंद्र तथा 2,03,500 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के लिए 12.39 करोड़ मतदान में 53.01% पुरुष तथा 46.99% महिलाएं हैं।